हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक के एस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि वीवो V30e में आप किसी भी ऐप को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सिक्योरिटी की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगी पासवर्ड ऑप्शंस की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, पिन भी सेट कर सकते हैं और पैटर्न भी। चलिए मैं यहाँ पर पिन सेट कर लेती हूँ। 4 डिजिट पिन पर क्लिक करेंगे, पिन एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको कुछ भी आंसर दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दे दिया एंड देन डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी ऐप हाइडिंग की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यू हिडन ऐप्स को यहाँ से ऑन कर देना है एंड देन यहाँ पे आपको जिस भी ऐप को हाइड करना है आपको सिंपली उसे यहाँ से ऑन कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इस ऐप को करके दिखा देती हूँ। ये मैंने यहाँ से इसे ऑन किया, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिडन ऐप्स में 1 ऐप शो हो रही है। तो दोस्तों जो ऐप है वो हाइड हो चुकी है। तो दोस्तों इसको अनहाइड करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ से इसे ऑफ कर देना है, तो जो ऐप है वो अनहाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी ऐप को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं।